हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम चार कली का पेटीकोट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा 2 मीटर लिया है। 2 मीटर कपड़े में आप 38 तक की लेंथ बना सकते हैं, इससे ज़्यादा की लेंथ नहीं बनेगी। तो मैंने यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा लिया है। इसको हम इस तरह से रखेंगे, पहले जो साइड से किनारी होती है यहाँ से हम फ्रिल के लिए पट्टी को कट करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रिल के लिए 2 इंच का निशान लगाना है। इस तरह से दोनों साइड कपड़े में किनारी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और 2 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ पे हल्का सा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद ये पट्टी आपको निकाल लेनी है। इस तरह से किनारी वाली जो पट्टी है वो इस तरह से खींचते हुए कट कर सकते हो आप। इसी तरह हमने दूसरी साइड भी जो किनारी है वहाँ से भी हमने निकालनी है फ्रिल। दोनों साइड की किनारी को यूज़ करना है हमें। यहाँ पे इसके बराबर निशान लगा लें या फिर इसके बराबर रखते हुए कट लगा लें और उसके बाद यहाँ से भी हम एक पट्टी को निकाल लेंगे। टोटल हमारे पास 2 पट्टियाँ हो जाएंगी फ्रिल के लिए। अब हमने जो हमने ऊपर की ओर बेल्ट अटैच करनी है उसके लिए पट्टी निकालेंगे। तो इसे हम कुछ इस तरह से निकालेंगे। जो बेल्ट रहेगी उसकी जो विड्थ रहेगी, चौड़ाई, वो रहेगी 5 इंच। स्टिच होने के बाद 2 इंच रहेगी, तो टोटल हमने 5 इंच रखनी है बेल्ट की विड्थ। तो इस तरह से 5 इंच हमने निकाल लेनी है। 5 इंच का निशान लगाते हुए हमें इसको कट करना है। उससे पहले आप देख सकते हैं हमारी कमर है 34 इंच, तो मुझे इसमें जॉइंट लगाना होगा। तो हम इसमें जॉइंट बाद में लगाएंगे स्टिचिंग के समय। तो अगर आपका कम पड़ता है तो आप इसमें जॉइंट कर सकते हैं, तो मुझे तो जॉइंट करना होगा इसमें। उसके बाद कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे। इस तरह से नॉर्मली हमें डबल फोल्ड में रखना है कपड़े को। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी लेंथ की और कमर की। तो मेरे में लेंथ है 36 इंच, कमर है 34 इंच। 34 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस उसमें करेंगे 2 इंच लूजिंग के लिए, तो टोटल आएगा 10.5 इंच। तो 2 इंच हमने माइनस करके लेना है क्योंकि हम ऊपर की ओर बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 इंच माइनस करते हुए लेना है लेंथ। तो पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। जो भी आपकी रेडी लेंथ रहेगी उतना आप निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी रेडी लेंथ रहेगी प्लस उसमें 3 इंच करके लेना है, क्योंकि बाद में छोटा बड़ा होता है, उसे हम कट करते हैं, तो वो हमारी बाद में हो जाएगी कंप्लीट। तो अभी मैंने ली है 36 इंच प्लस 3 इंच। तो जो भी रेडी लेंथ है उसमें 3 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है। इस तरह से पूरे पे जितनी हमें ज़रूरत है उतना हमने निशान लगा लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे लेंथ के लिए कपड़े का निशान लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है 10.5 इंच। 10.5 इंच इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसमें प्लीट्स डालने हैं। अगर आप प्लीट्स नहीं डालना चाहते तो आप मार्जिन में 2 इंच ऐड ना करें, 1 इंच ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने 10.5 इंच लिया है। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है 10.5 पे। उसके बाद अपोजिट साइड से नीचे की ओर से हमने 10.5 पे निशान लगाया है। हमने उस तरफ से दूसरे कोने पे लगाया था और यहाँ पे हमने दूसरे कोने पे लगाया है। अब इंच टेप को इस तरह से क्रॉस वाइज रखते हुए निशान लगाना है। तो नीचे की ओर जो घेरा रहेगा वो इस तरह से रहेगा। एक कली का घेरा 21 इंच रहेगा। टोटल हमारे पास 4 कलियाँ रहेंगी। तो इस तरफ से हमने दूसरे कोने पे लगाया है, इसी तरह हमने दूसरे कोने पे लगाया है। तो टोटल हमारे पास 4 कलियाँ हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक ये वाली जो साइड है वो ऑरेप साइड रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखने में कुछ तिरछी नज़र आएगी और ये वाली सीधी साइड है, तो ये स्ट्रेट नज़र आएगी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये ऑरेप नज़र आएगी आपको तिरछी। तो आपको या तो ये निशान लगा लेना है। तो एक हम सीधी साइड लेंगे और एक हम लेंगे ऑरेप साइड। 4 कली के पेटीकोट में एक हम सीधी साइड लेते हैं और एक हम ऑरेप साइड लेते हैं, फिर हम इसको जॉइंट करते हैं। जो भी 4 कली का पेटीकोट रहेगा उसमें एक सीधी साइड रहेगी और एक रहेगी
और एब साइड। तो इस तरह से हमने आपस में इन्हें ज्वाइंट करना है चारों पार्ट को। तो आप देख सकते हैं एक मैंने सीधी साइड ली है और एक मैंने ली है और एब साइड। इस तरह से इनको दोनों को पकड़ना है और ऊपर की ओर से बराबर रखना है आपको सिलाई करने के लिए। नीचे की ओर से ये छोटा बड़ा होता ही है, इसे हम बाद में कट करेंगे। तो ऊपर की ओर से बिल्कुल इक्वल लेना है बराबर करते हुए और हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो जॉइंट करके ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो टोटल हमें चारों पार्ट हमें इसी तरीके से जॉइंट कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने चारों पार्ट जॉइंट कर लिए हैं और नीचे की ओर से आप देख सकते हैं छोटा बड़ा आएगा ही आएगा। तो 2 इंच हमने ऊपर की ओर इंच टेप को रखना है बेल्ट के लिए माइनस करते हुए, और निशान लगा देना है 36 इंच पे, जो भी आपका मेज़रमेंट होगा लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग। तो 36 इंच पे मैंने इस तरह से घुमाते हुए निशान लगा लिया है बिल्कुल एक बराबर। इंची टेप को इस तरह से खिसकाते हुए रखेंगे और बराबर से निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसे हम कट करके निकाल देंगे नीचे की ओर से। अब हम इसमें फ्रिल और बेल्ट दोनों अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो फ्रिल के लिए पट्टी ली है उसको हम इस तरह से रखेंगे और प्लीट्स लगाना स्टार्ट करेंगे 1 इंच की। तो ये फ्रिल हमें इतनी लंबी बनानी है ताकि जो नीचे की ओर घेरा है वो पूरे में हमारी कम ना पड़े। तो आपको फ्रिल बनाते हुए ये चीज़ आपको मेज़र करते रहना है बार बार कि जो पेटीकोट का राउंड है उसमें हमारी ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ये हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट में मुझे जॉइंट लगाना है, तो इसमें हम जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 इंच है ये पट्टी, 16 इंच है मुझे रखनी है, 18 इंच। तो हमें ये जॉइंट करके कंप्लीट कर लेनी है पट्टी कमर का जो भी रहेगा। मेरी कमर है 34 इंच, तो मैंने ये पट्टी 34 से एक्स्ट्रा ली है 35 इंच, क्योंकि साइड से फोल्ड होगा। अब इस पट्टी को हम इस तरह से 1/2 इंच सिंगल फोल्ड करेंगे। यहाँ पे आपको सिंगल फोल्ड करना है। एक साइड से हम कॉर्नर भी फोल्ड कर लेंगे, एक साइड से हम छोड़ देंगे और एक साइड से ही हम ये वाली चीज़ को फोल्ड करेंगे। अब इसे हम पेटीकोट में रॉन्ग साइड से लगाएंगे। तो उससे पहले आप देख सकते हैं मैंने जब चारों कली को जॉइंट किया था तो थोड़ा सा गैप छोड़ दिया था एक साइड पे मैंने, ताकि यहाँ पे हम नेफा बना सके। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का गैप छोड़ा था जब हमने चारों कलियाँ अटैच की थी। सिर्फ एक साइड ही आपको ये छोड़ना है। अब यहाँ से हम ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, रॉन्ग साइड से हम इसे पट्टी को अटैच करेंगे। तो पट्टी की जो ऊपर की ओर रहेगी वो भी रॉन्ग साइड रहेगी और नीचे पेटीकोट है वो भी रॉन्ग साइड रहेगा। जब हम इसको इस तरह से पकड़ते हुए स्टिच करेंगे तो आपको मेज़र कर लेना है छोटा बड़ा तो नहीं है। मुझे इसमें प्लीट्स डालनी है तो मेरे में तो ये छोटी आएगी थोड़ा सा। अगर आपको प्लीट्स नहीं डालनी है तो आप 10.5 जो मैंने लिया था वहाँ पे आप कम ले सकते हैं, आपको लूजिंग में कम कर देना है अगर आप प्लीट्स नहीं डालना चाहते। मुझे इसमें प्लीट्स डालनी है इसीलिए मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आया है। तो अब हम इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पे पट्टी को रखेंगे, ऊपर की ओर हमने रखा है रॉन्ग साइड। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 4 कली, तो चारों कली में हम 1-1 इंच की एक एक प्लीट्स डालेंगे। मैंने चारों कली में 1-1 प्लीट्स डाली है। इस पट्टी को अटैच करते करते ही मैंने प्लीट्स डाली है साथ ही साथ में। तो इस तरह से आपको ये बेल्ट अटैच करनी है। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये पट्टी इस तरह से हमने फोल्ड करनी है, एक साइड हमने ऑलरेडी फोल्ड की हुई है और एक साइड हमने इस तरह से लास्ट में फोल्ड करनी होती है। अब यहाँ से हमने सिलाई लगा देनी है इस पट्टी के ऊपर। अब यहाँ पे हम बेल्ट को इस तरह से राइट साइड में टर्न करते हुए सिलाई लगा देंगे। इसे हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है पट्टी को। तो आप देख सकते हैं हमारी ये बेल्ट भी अटैच हो गई है। आप देख सकते हैं हमारी ये छोटी छोटी सी प्लीट्स आई हैं चारों कली में। तो आप ये अगर नहीं डालना चाहते तो आप रहने दें। आप देख सकते हैं जो नेफा है साइड से वो 2 इंच का रहा है हमारा बनके, 2 से 2.5 इंच, इसीलिए हमने अब यहाँ पे हम फ्रिल को अटैच करेंगे। तो फ्रिल हम अटैच करेंगे राइट साइड से।
इस तरह से हमने रखना है सीधी साइड से फ्रिल को, और फ्रिल को इस तरह से अटैच करते जाना है। फ्रिल जितनी भी हमारी दो पट्टियां हैं उसको हम पूरे राउंड में एडजस्ट करेंगे, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने फ्रिल को अटैच कर लिया। अब इसको हम नीचे की ओर करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, पर ये कपड़ा जो है आपको ध्यान से देखना है, इस तरह से दबाते हुए सिलाई लगाना है। इस कपड़े के ऊपर हमें सिलाई लगाना है ताकि ये दब जाए और जो फ्रिल है वो अच्छे से नज़र आए। तो यहाँ पे आपने देखा पेटीकोट की कटिंग एंड स्टिचिंग कितनी इजी तरीके से कंप्लीट हुई है। सो स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।